बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आई एम हियर विद क्लास सिक्स मैथमेटिक्स। चैप्टर हमारा एलजेब्रा है और हमने उसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग एलजेब्रा एक्सप्रेशन सीख लिया है। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें उसके अंदर सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है आज हम उसको एलजेब्रा के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए पेज नंबर 90 पर, एक्सरसाइज 4A, बुक D1 है मेरे पास। और आज हम सिंप्लीफाइंग के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पास थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। उसकी मदद से आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों, और उसके अंदर यह है कि अगर हमारे पास एक टर्म इसके अंदर हो, ब्रैकेट के अंदर हो, और उसके साथ कोई नेगेटिव साइन लगी हुई हो या पॉजिटिव साइन लगी हुई हो, और ब्रैकेट के बाहर भी एक साइन मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में हम सिंपली ये करते हैं कि अंदर और बाहर वाली साइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर दोनों सेम साइंस है, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो वो क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। और अगर दोनों अलग अलग हैं, बाहर वाली प्लस है अंदर वाली माइनस है, या बाहर वाली माइनस है और अंदर वाली प्लस है, जैसा कि हम इसके अंदर तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तब भी वो माइनस ही रहती है। तो सिंपली हमने आज जो चीज सीखी है वो यही है कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर हमारे पास साइंस मौजूद है, दोनों सेम है तो वो प्लस हो जाएंगी, दोनों अलग अलग है तो वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं और ये वाली चीज को भी हम अपनी आसान कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये 15x है, ये हम एज इट इज रहने देंगे। फिर हमारे पास एक ब्रैकेट के बाहर और अंदर साइन है, एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये 7y हम एज इट इज उतार देंगे, ब्रैकेट हमारा खुल गया है। अब आ जाइए दोबारा, ब्रैकेट के अंदर बाहर साइन है, ये भी अलग अलग है, तो दोबारा ये माइनस हो जाएगा। और अंदर हमारे पास 18x है, ये ब्रैकेट भी खुल गया, और आखिर में हमारे पास वैल्यू है 4y। तो अब हमारे पास सारे ब्रैकेट्स खुल गए हैं। बॉड मास के अगले रूल की तरफ चलते हैं और हम देख सकते हैं यहां पर हमारे पास प्लस माइनस के साइंस हैं, तो हमने सिंपली क्या करना है, सेम वेरिएबल्स को उठाना है और उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते जाना है। तो मेरे पास यहां पर दो एक जैसे हैं और बाकी दोनों भी एक जैसे हैं, यानी मेरे पास दो वेरिएबल्स यहां पर मौजूद हैं, एक्स और वाई। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, 15 माइनस 18। तो बच्चों हमारे पास ग्रेटर नंबर से हम हमेशा स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो 18 माइनस 15 क्या होता है बच्चों, हमारे पास 3 होता है। तो 15 माइनस 18 क्या होगा, -3 हो जाएगा। सेम वेरिएबल है तो x आ गया है यहां पर। उसके बाद बारी आती है -7 प्लस 4, दोनों के साथ y है, तो -7 प्लस 4 के अंदर हम क्या करेंगे, 7 माइनस 4 करेंगे। 7 माइनस 4 क्या होता है बच्चों, 3 होता है, तो -7 प्लस 4 क्या होगा बच्चों, -3 हो जाएगा। सिंपल है, आपने इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कोई भी आपने इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपने ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने देख लेना है कि आपके पास यहां पर ग्रेटर साइन किसका है। ठीक है, तो उस साइन को आपने यहां पर लगा देना है। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद फिर सेम वेरिएबल्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अंदर क्या है कि जब हमारे पास सेम साइंस होंगी तो वो ऐड हो जाएंगे, -3 -7 है तो 3 + 7 होगा, साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी तो ये -10 बन जाएगा। माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, तो 10 - 5 हमारे पास 5 हो जाएगा, साइन ग्रेटर नंबर की लग जाएगी। इसी तरह से यहां पर भी हमने ब्रैकेट को खोला, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9x - 8 किया हमने, तो 9 - 8 क्या होता है, 1 लिखते नहीं है। उसके बाद +2 + 12 है, तो 2 + 12 हमारे पास 14 आता है, हमने कहा +14 y हो गया। और इसी तरह से यहां पर भी हमने ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। जब ब्रैकेट ओपन हो गए तो उसके बाद फिर सिंपल आपके पास प्लस माइनस है। इसके बाद हमने देखा कि ये -7x है, ये +2x है, तो हमने क्या किया, -7 + 2, तो हमने इसको 7 - 2 किया, आंसर आया 5, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की लगाई तो वो आ गई -5x। उसके बाद बच गया हमारे पास +15y और -6y, तो 15 - 6 क्या होता है बच्चों, सिंपल 9 होता है, तो हमने यहां पर +9 लगाया और उसके साथ y लगा दिया। तो आपने देखा कि हमने हमेशा ग्रेटर नंबर की साइन लगाई है, और ऑपरेशन के अंदर हमने यानी प्लस माइनस के अंदर के करना क्या है, प्लस करना है या माइनस करना, उसके अंदर हमने देखा कि दोनों हमारे पास टर्म्स के पास सेम साइन है तो प्लस कर दो,
अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है, तो हमने माइनस कर दिया। ये दो अलग अलग चीजें हैं कि साइन लगेगी किसकी और ऑपरेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपने अलग अलग रखना है। आज हमने इस चीज को भी अच्छी तरह से सीख लिया है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अक्सर फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों, फ्रैक्शन को भी सेम उसी मेथड से आपने जो है वो सॉल्व करना है जिस तरह से आप अर्थमेटिक के अंदर बगैर वेरिएबल्स के फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे। सिर्फ इस चीज के अंदर जो आपका नया इजाफा है वो आपने देखना ये है कि आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं वो सेम वेरिएबल के साथ हैं या नहीं है। अब आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास पार्ट ए के अंदर दोनों में मेरे पास सेम वेरिएबल एक्स है। तो इसका मतलब है मुझे जो काम करना है ना बच्चों, वो 1/4 प्लस 1/3 का करना है। और ये चीज हमने क्लास 4 में सीख ली थी कि हमारे पास जब फ्रैक्शंस हो तो हम उसको किस तरह से ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से यहां पर भी मेरे पास दोनों जगह वाई है, तो हमने ऐड किसको करना है, 2/5 माइनस 1/3 को। यहां पर दोनों जगह ए है तो हमने इस वाले वेरिएबल की बात करनी, इस वाले जो है फ्रैक्शन की बात करनी है। और यहां पर भी सेम वेरिएबल है तो हमने सिंपली फ्रैक्शन को आपस में जिस तरह भी डील किया जाता है उसको डील करना है। उसके लिए मैं आपको आसान सा मेथड बता दूं कि फ्रैक्शंस को हम किस तरह ऐड सबट्रैक्ट करते हैं। हम सिर्फ अपने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। अगर पहले से सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, और अगर वो सेम नहीं है तो उसको पहले हम एलसीएम लेके सेम बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। हर चीज सॉल्व हो जाती है, बस आपका काम यही है कि आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ रूल्स को याद रखना है। सेम वेरिएबल्स हैं, हमने इस दोनों जगह से एक्स को उठाकर क्या करना है, एक जगह साइड पर रख देना है। अब एक्स का कोई काम नहीं है, इसका मतलब है मेरे पास क्या चीज बच गई, 1/4 प्लस 1/3। और ये हम बचपन में सीख चुके हैं कि इसको किस तरह से हमें जो है वो सॉल्व करना होता है। यहां पर 4 अलग है, 3 अलग है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। हमने क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया। सेम यही काम उनके न्यूमरेटर्स के साथ किया। जो आंसर आएगा हम उठाकर यहां पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, जरा अब यहां पर आप गौर से देख लीजिए कि हमारे पास यहां पर है 3 1s are 3 और नीचे हमारे पास है 12, और बीच में अब यहां पर भी मैं इसके साथ x लगा दूंगी, उसके बाद बीच में मेरे पास है प्लस, ये 1 4s are 4 और नीचे मेरे पास 12, और ये x इसके साथ पहले से लगा हुआ है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे पास वेरिएबल्स सेम हो चुके हैं, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, 3 को 4 के साथ ऐड कर दूंगी। ठीक है, और नीचे मेरे पास 12 है। अब यहां पर तो हमारे पास सिर्फ नंबर्स हैं, यहां पर हमारे पास वेरिएबल भी है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x अपॉन 12। उसके बाद क्या है, सेम वेरिएबल्स है, कोफिशियंट्स को उठाकर ऐड कर दो, 3 प्लस 4 क्या होता है, 7x अपॉन 12। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखा आपने, सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर हमारा ये सॉल्व हो गया। तो इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल के साथ किया, कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ क्लास 4 के अंदर जो चीज सीखी थी वही यहां पर अप्लाई कर दी। तो हमने यहां पर जो चीज सीखने की थी वो सिर्फ ये थी कि वेरिएबल सेम होना चाहिए प्लस या माइनस करने के लिए, और वो चीज हम पहले ही सीख चुके हैं, यहां पर सिर्फ हमें अप्लाई करना है। ये देखिए मजीद क्वेश्चंस देख लीजिए। अब इसके अंदर आपको जरा सी भी अगर कंफ्यूजन हो ना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो आपने सिंपली यहाँ पर वेरिएबल को हटाकर साइड में जाकर रफ वर्क के अंदर फ्रैक्शंस को वैसे ही सॉल्व कर लेना जैसे बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। ठीक है, यानी 2/5 माइनस 1/3 कैसे करते हैं ये आपको पता है, आपने यहाँ पे साइड में सारी कैलकुलेशन की, उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल के साथ आपने उसी चीज को लिख दिया ताकि आपका कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। यहाँ पर 5 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ऊपर आ गया 6y माइनस 5y। अब हमने क्या किया, 6 माइनस 5 किया तो बचा 1, तो हमने लिख दिया y/15। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमारे पास था, अब यहां पर हमारे पास पहला नंबर माइनस हो रहा है, दूसरा प्लस हो रहा है, 7 के टेबल में 5 नहीं, 5 के टेबल में 7 नहीं, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हमारे पास आ गया -15 और यहां पर आ गया +21। उसके बाद हमने कहा -15 + 21 कैसे करें, तो 21 - 15 कर दिया, आंसर आ गया 6a। ग्रेटर नंबर की साइन लगती है ना, उसकी साइन प्लस है। उसके बाद नीचे 35 बच गया तो हमारा आंसर आया 6a/35। इसी तरह से यहां पर पार्ट डी के अंदर भी हमने किया, 9/4 था, -4/3 था, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऊपर आया 9 3s are 27, ऊपर आया 4 4s are 16, बीच में माइनस का साइन था, 27 - 16 किया तो हमारे पास 11b आया, नीचे 12 था, ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल इसके अंदर बच्चों हमारे पास सिंप्लीफाइंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो कोफिशियंट्स दिए हुए हैं हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी हमसे कहा गया है हम सिर्फ वो कर रहे हैं, बाकी हमें कुछ भी यहां पर नहीं करना है।